Hey everyone, I hope you guys have been doing absolutely fine. Welcome back to my channel. और जो नैनीताल वाला ट्रिप रहा था बहुत ही शानदार, मज़ा आ गया, क्रेजी फन एंड थैंक्स टू रोहित पहाड़ी. ढेर सारे लोगों से मिले, ढेर सारा फन किया, जाना पहचाना और काफ़ी सारी चीज़ें भी सीखी. और मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें लोगों ने बहुत बोला, यार आपने नाम चेंज कर दिया, ट्रैवल विद मिस्टर सिंह हटा दिया है, विद MSK रख दिया है. तो जी देखो, बात ऐसी है कि हम जब किसी को बोलते हैं ना, काफ़ी सारे ऐसे, एक अनएजुकेटेड सोसाइटी भी है हमारे भारत की, जिनको आप बोलोगे जी ट्रैवल विद मिस्टर सिंह, उनको ना ज़्यादा समझ नहीं आएगा. तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, जिनको मेरा कंटेंट भी पसंद आ रहा था, कि मैं उनसे जाके सब्सक्राइब करूँ और वो लिख नहीं पा रहे थे. तो आई थॉट विद MSK वुड बी अ वेरी नाइस ऑप्शन. बहुत सोचा परखा एंड आई वाज लाइक एक बार कर देते हैं, बट इसके बाद अब नहीं चेंज होगा. तो विद क्या है, विद है मेरे साथ, और MSK क्या है, मनन सिंह कालरा. सो आई होप कि ये यूज़र नेम आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा एंड आई होप कि इस यूज़र नेम से थोड़ी सी तो जनता जो है वो अट्रैक्ट होगी. और नैनीताल बहुत अनएक्सपेक्टेड था बट बहुत क्रेजी फन आया. अभी फ़िलहाल मैं हो गया हूँ रेडी, शाम को है ऑफिस मेरा, बट अभी कहाँ जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ लाजपत नगर. और लाजपत नगर में कहाँ, फ्यूचर फॉरवर्ड, जहाँ से मैंने लिया था अपना Insta360 ONE X2, और लिए थे मैंने अपनी GoPro की बैटरी और बाकी सारे इक्विपमेंट्स. अब मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ, मेरे को एक छोटा सा इशू हो गया. जो मैंने GoPro की बैटरी ली थी वो चार्ज करते करते पता नहीं कैसे वो फूल गई है. कसौल वाले ट्रिप में मैंने देखा, सो मुझे लगा यार मैंने 2100 रुपये खर्च किए हुए हैं और उस सिंस वो वारंटी में, तो एक बार मैं दिखा कर लाऊँ कि ये फूल क्यों गई है. तो जब आप इतने पैसे खर्च करते हो तो यार छोटी छोटी चीज़ें, सिंस आप एक ग्रोइंग इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर कह लो, आप एक ग्रोइंग स्टेज में हो ना, तो इतना खर्चा जब आप करते हो तो छोटी छोटी ना चीज़ें दिल पे भी लगती हैं और पॉकेट पे तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ती हैं. तो मैंने बात कर ली थी वहाँ से, बट नेवरदलेस आई थॉट एक बार मैं जाऊँ, सब कुछ चेंज करा के ले आऊँ. दिल्ली जा रहे हैं, थोड़ा चिल विल भी कर लेंगे और अपने लिए भी रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, घर पर बैठे रहते हैं आजकल. तो फिलहाल चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बट फिलहाल उससे पहले मैं निकलूँ, मैंने करनी है पाब्लो की पॉटी साफ, तो पहले एक बार साफ कर लूँ, फिर उसके बाद मैं निकलता हूँ और सीधा मिलता हूँ फिर आपसे रोड पर. भाई क्या क्या करना पड़ रहा है, कुत्ता है घर में तो ये सब कुछ करना पड़ेगा. और जैसे आपने मेरी पिछली वाली वीडियो में देखा होगा, मेरी मम्मी ने क्या बोला था, उनका कुत्ता मैं, मेरा कुत्ता पाब्लो, तो उन्होंने भी मेरी टट्टियाँ साफ़ की हैं, मैं अपने बच्चे की टट्टियाँ साफ़ कर रहा हूँ. तो ऐसे उठती हैं देख लो, हलकत पहले मचती थी, अब ना हलकत आती है ना स्मेल आती है. पार्ट ऑफ लाइफ, अपने आगे वाले बच्चों के लिए भी सीख लूँ. और आ जाओ आ जाओ, एक मिनट, आप भी आओ, आप भी आओ. तो मम्मी का कहना, पॉटी वैसे उठा लिया, तो मम्मी का कहना क्या है, कहती हैं जब वो पॉटी करता है ना तो साथ ही साथ उठा दिया कर. मैं कहता हूँ आजकल गर्मी इतनी है, अगर वो मैं उसको बाहर नहीं लेकर जाता पैर पैर उसके भी जलते हैं. तो सीन ऐसे, वो पॉटी करता है ना उसको पड़ी रहने दो, जब वो अल्टीमेटली सूख जाती है ना, तो सूखती है ना वो एकदम हाथ में आ जाती है. ओए फक गिर गई शिट. तो जब वो पॉटी एकदम सूख जाती है ना, अपने आप ही निकल जाती है न्यूज़पेपर से, फेंकना और भी आसान हो जाता है. तो भाई मेरे राइट में जिस गया है साइबर हब, और लेफ्ट साइड में जो सारा एरिया है दैट इज ऑल उद्योग विहार, यहाँ सारे ऑफिसेज हैं. और गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है ना कि मैं क्या बताऊँ. एक तो इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, पोल्यूशन भी है, और ऊपर से जो इतनी हीट पैदा होती है ना भाई, एकदम जानलेवा है. बट ये है कि यार मेरे को ना अभी ग्लव्स पहन के बहुत ज़्यादा हलकत मच रही थी, तो मैंने ग्लव्स निकाल दिए हैं फ़िलहाल तो. बट मेरा ये यार, मैं बाहर निकलता हूँ ना, मेरे को ये है कि जब मैं बाइक चला रहा हूँ तो मेरे को राइडिंग जैकेट मस्ट है. और ये क्यों है यार, क्योंकि हमेशा आप अपने जो ये छोटे छोटे गेज होते हैं, जैसे नी गार्ड हो गए और आपके एल्बो गार्ड्स हो गए, तो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कैरी करने के लिए. और यार उसमें भी ना बड़ी हलकत मचती है, क्यों, क्योंकि आपने वो फिर वेलक्रो लगाने, फिर बांधना है, फिर चलना है, फिर उतारना है. तो एक ही बार आई थिंक दिस इज़ अ मच बेटर एंड अ मच सेफर ऑप्शन कि सारे गार्ड्स एक ही जैकेट में मैश है, लाइनर उतारा है, तो सीधा सीधा यार चलते रहो. बट आई कॉन्ट टेल यू, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि लग गई है. बच गई हो, लेक्सस का कलर कितना अच्छा लग रहा है, आई लाइक दिस कार X7. मेरे को ना समझो पता नहीं क्यों BMW इतनी ज़्यादा पसंद है ना. फिलहाल क्रॉस कर रहे हैं दिल्ली और गुड़गांव का टोल, और मेरे राइट में जस्ट निकला है एम्बियंस मॉल. तो क्या है ना, चलते रहो धूप
तो बहुत ज़्यादा है, बट ऐसे थोड़ी सी स्पीड पकड़ने में पसीना आया होता है अंदर, और जो ठंडक मिलती है ना, ओहो हो हो, पूरा शरीर तरोताज़ा हो जाता है। जो कहते हैं ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या जो यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, जो एक ग्रोइंग स्टेज में भी है, सबकी लाइफ बहुत ईजी है भाई, डेफिनेटली नहीं है यार। इतनी मेहनत लगती है, मतलब आप ट्रैवल करते हो, 100 चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में, भसड़ चल रही होती है, आपको फिर भी एक क्वालिटी कंटेंट आपको आगे रखना है, और ये सोच के कि यार जो भी हो रहा है वो आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ एकदम अलग है भाई। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी दिक्कतें चलती है ना, आपको वो साइड में रखना पड़ता है। और अभी देख लो, अरे यार आज क्या गाड़ी आ रही है मेरे सामने चलो जी, भगवान ने चाहा तो ये भी जल्दी लेंगे। तो भाई पहुंच गए हैं फ्यूचर फॉरवर्ड एरा सामने, यहाँ खड़ी कर देते हैं बाइक। तो भाई फ्यूचर फॉरवर्ड में हो आया हूँ, मेरे पीछे ये ऊपर है फ्यूचर फॉरवर्ड, और फिलहाल मैं अपनी बैटरी तो देकर आ गया हूँ। तो जितनी भी बैटरी इसका इशू आता है वो कहते हैं जी रिप्लेस होती है, सो मेरे को और एक दो दिन वेट करना पड़ेगा, तब तक मैं जो मेरी स्टॉक बैटरी आई थी गोप्रो के साथ उससे काम चलाता हूँ। हाँ, इन लोगों ने पानी रखा था ट्रेवेज 5-6 ग्लासेस पी के हूँ, बट फिलहाल अभी जाता हूँ। बहुत गर्मी यार, बहुत गर्मी, कुछ खाने का मन तो है नहीं, बीच में के रुक के गन्ने का जूस पीते और सीधा वापस निकलना है मेरे को गुड़गांव, क्योंकि पाब्लो घर पे खेला है और मम्मी मेरे कज़न्स के साथ गई हुई है बाहर, और मेरे कज़न्स आए हैं फॉर अ चेंज पंजाब से। सो माहौल बना है भाई घर पे भी, मैं पहले एक बार आगे चल के देखता हूँ, अगर मुझे डोलमा आंटी के मोमोज मिल जाते हैं तो हम मोमोज खाते चलेंगे। तो थोड़ी देर आधा घंटा पाब्लो फिर वेट कर लेगा, उसके बाद फिर उसे खाना खिला देंगे। तो बाबा घुस रहे हैं लाजपत नगर, भीड़ देखो ना, किसी ने मास्क पहना ना कुछ, लोगों का डर ही खत्म हो गया। मोमोज हैं, चिकन दे दो एक प्लेट खाने के लिए। आपका ओरिजिनल वैसे ये वाला है, वो जो दुकान है वो है, दोनों है। अच्छा दोनों आप ही की हैं, ये लो। एक बात बताओ भैया जी, रिकॉर्ड करने में दिक्कत नहीं है ना? मैं रिकॉर्ड करूँगा, दिक्कत नहीं है ना? जो ये अंदर वाली दुकान है वो किसकी और ये किसकी है? सेम है, और दोनों सेम है। मेरे को पहले लगता था कि अंदर वाला वो कोई और है, जो वहाँ पहले स्टार्ट हुआ था, अंदर वाला पुराना है, ये पुराना है। इसको हो गए कुछ साल हो गए ना इसको, ये पहले ऐसा था भैया मेट्रो का काम चलता था। अच्छा, थोड़ा सा ये दुकान गारमेंट का दुकान था। अच्छा, पीछे यहाँ थोड़ा सा ये लाल जो है ना इतना तक था, बात में। तो भाई जो भी लाजपत नगर आ रहे हो और स्पेशली डोलमांडी के मोमोज खाने आते हो, अंदर भी ऑथेंटिक है और ये भी ऑथेंटिक है, आई थिंक वो शायद आपकी मम्मी है ना, मैं बात हुई थी आपसे लास्ट टाइम, तो ये भी ऑथेंटिक है और वो भी ऑथेंटिक है, जहाँ मर्जी खाओ। बट फिलहाल हो रही है बहुत सारी गर्मी, और एक प्लेट मोमो का तो खा लिया है, कॉफ़ी पी लिया है, अब फाइनली एक पैक कराया घर के लिए, और अब निकलेंगे सीधा। गोप्रो की बैटरी दे दी थी मैंने, और उन्होंने बोला जो उसका रिप्लेसमेंट है आपको एक दो दिन में मिलेगा, तो आई थिंक अब वापस आने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, वो सीधा मेरे को कोरियर कर देंगे। तो ऐसे सीधा चलते हैं और मिलते हैं रोड पे, दिखाते हैं आपको अपने साथ क्या हाल है दिल्ली की गर्मी का। तो पेट पूजा तो हो चुकी है, बट मेरे जो हाथ की जो भी बैंड बज रही है ना, लिटरली लंका लग रही है, आई कांट इवन टेल यू, इतना ज़्यादा गर्म है। और ग्लव्स मेरे को नहीं, अभी मैं नहीं पहन सकता, क्योंकि अगर मैं ग्लव्स पहन लूँ ना तो और ज़्यादा मेरे को गर्मी लगती है। और ये मेरे है लेफ्ट साइड में सारी की सारी लाजपत नगर की मार्केट, सस्ते में सामान मिलता है, बहुत बहुत ड्यूरेबल होता है यार, मतलब लाजपत नगर एक ऐसी जगह है ना, बचपन गुजारा है मैंने अपने यहाँ पे। सारे सवाल पूछ लो मगर दिल्ली वालों से, बस ये मत पूछना उनकी दुखती रख पे ना हाथ मत रखना, ये पूछ के जी गर्मी कैसी है, स्पेशली वो वाले लोग जो पहाड़ों पे रहते हैं। मैं आया था, एक डेढ़ घंटा सोया हूँ, बैटरी दे तो दी है, अब देखो कहते हैं दो तीन दिन में रिस्पॉन्स आता है, बट उससे पहले हम चला देते हैं AC। ओहो हो हो भाई साहब, इतनी गर्मी है ना, क्या बताऊँ। और घर में जब गेस्ट आए हो ना, तब काम बंदे के वैसे ही भर जाते हैं थोड़े से, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और अच्छा लगता है जब मेरे कज़न्स आते हैं ना बहुत टाइम के बाद,
अभी तो बाहर गए हुए थे बट मम्मी का फोन आ गया, कहती बेटा जाके सबसे पहले तू चिकन लिया और खाने में हम बनाएंगे शाम ये दोपहर में पाव भाजी और कॉकटेल चिकन। है क्या यार बताओ, ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने के लिए मिल रही हैं इतने 28 सालों में जो पहले नहीं सुनी है मैंने। कहा इससे पहले कहाँ गए थे, ये कॉकटेल चिकन पुदीना चिकन कहाँ गया था इससे पहले। हेलो, हाँ चिकन कितना लाना है? तो भाई सामान क्या लेने हो और कितना सारा आ जाता है पता ही नहीं चलता है। बहुत सारा सामान ले लिया यार, बाहर निकलो तो चीज़ इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है ना। मैं भाई तो ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे और सब कुछ दे दे। और साथ में फिर गया चिकन वहाँ पे मैं ले रहा था तो उतनी देर में मासी का फ़ोन आ गया। मासी कहती हैं कि भाई तू अब ले ही रहे तो मेरे लिए भी ले ले। चलो जी कोई दिक्कत नहीं है, ले लेते हैं। फिर पेमेंट करने लगे तो पेमेंट का इशू आ गया। पेमेंट का इशू क्या आया कि उसका जो कार्ड मशीन थी वही नहीं चली। मैं भाई अब तू किसी तरह करवा के तू पैसे ले और मेरे को ना तू रफा दफा कर, बहुत लेट हो गया और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। मम्मी के 4 फोन आ गए, कहती बेटा कहाँ रह गए, ना खाना बनेगा ना तुम लोग खा पाओगे। बट फिलहाल निकल पड़े तो अब ये सीन है कि मासी के पास जाता हूँ, चिकन दूंगा, चिकन देने के बाद मैं वापस इधर से आऊँगा पाव भाजी के पाव लूंगा और फिर घर जाऊंगा और फिर थोड़ी सी डांट खाने के साथ खाना भी खा लूंगा। प्यूरी ले ली और वो मसाला ले लियो। हेलो हेलो, अच्छा अच्छा हेलो तो कर दे अच्छे से कर। हाँ प्यूरी ले ली। हाँ बाय प्यूरी। क्या फाइनली पहुंच गए हम घर और बेस्ट चीज़ है आजकल सारी की सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ऑटोमेटेड हो गई हैं। मतलब घर के दरवाजे से एक बटन दबाओ और गाड़ी का दरवाज़ा, इतनी सुकून वाली जिंदगी हो गई ना कि क्या बताऊँ मैं। बस एक बटन प्रेस करो खुल भी जाता है बंद भी हो जाता है। आज ऐसी कोई तिजोरी की चाबी दे दे बस खोलो पैसे आए और बंद हो जाए। अब इधर गोदी में सबको तंग किया हुआ है तो लेडीज क्या बन रहा है? पाव भाजी बन रही है, खाओगे? पाव भाजी बन रही है, खाओगे? कॉकटेल चिकन भी बन रहा है। आप क्या बना रहे हो बुआ? मैं धनिया साफ कर रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। किसी मजदूर की जरूरत पड़े तो दर्श को अंदर से बुला लेना। वीडियो को करते हैं खत्म और करते हैं एडिट। ओले मेला बच्चा इधर आ, केले इधर आ। गुड बॉय गुड बॉय। ये देख ये देख पब्लू, ये देख पब्लू, ये देख ये देख 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 देख। क्यूटी बच्चा क्यूटी तो क्यूटी। तो भाई थोड़ा सा अब मैं करता हूँ रिलैक्स, और रिलैक्स भी क्या, बैठता हूँ वीडियो एडिट करता हूँ और पाब्लो के साथ थोड़ा सा खेलता हूँ जिसकी बेहद ज़रूरत है अभी। वो क्या है? वो है पाव भाजी और कॉकटेल चिकन। कैसे बनता है, कब बनेगा कॉकटेल चिकन, वो इसके बाद वाली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा दिखाऊं अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो खाते हुए तो ज़रूर दिखाऊंगा। तो और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, जो इससे पहले नैनीताल वाली वीडियोस थी और मनाली वाली, भाई दिल से थैंक यू है, बहुत प्यार दिया। और जो मेरे साथ हल्द्वानी उत्तराखंड ये सारी जगह के जो यूट्यूबर्स और थोड़े बहुत लोग जुड़े हैं
भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों को सब मिल के, एंड जितना प्यार आप लोगों ने एक आउटसाइडर को दिया है, बट भाई दिल खुश हो गया। बट वो यार मतलब पहाड़ी जानी चले जाए यार, आप लोग इतना वार्मली वेलकम करते हो और इतना वार्म आपका एटीट्यूड होता है ना कि मन करता है भाई दिल्ली तो परमानेंटली छोड़ दूँ और वापस मैं पहाड़ों में बस जाऊँ। बट वो भी होगा, कब होगा ऊपर वाले की मेट जब होगी। बट यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो, और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद भी सब्सक्राइब करो और बाकी उससे भी सब्सक्राइब कराओ। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा वीडियो एडिट करता हूँ, चिल करता हूँ और खाता हूँ पाव भाजी। तब तक अभी अपना खाना निपटा लो और साथ ही साथ ही वीडियो भी देख लेना। तो भाई फाइनली करते हैं इस वीडियो का दी एंड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और उतनी ही अच्छी लगी जितनी मेरे को बनाने में अच्छी लगी। क्या बात है, क्या बात है। और जाते जाते बस दो शब्द जो मैं कहना चाहूँगा वो है, अरदास मेरी रहमत तेरी, गुनाह मेरे ते बख्शीश तेरी। इट्स मी साइनिंग ऑफ, टेक केयर।